स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को सफलतापूर्ण 3 वर्ष पूरे होने पर हृदय तल से बधाई दी। कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण का पहला चरण, एम्स में व्यक्ति को दी गई पहली खुराक। जम्मू कश्मीर में 37 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी, लोगों को मिलेगा रोजगार। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा बैठक। रांची के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रांची तमाड थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने कई जगहों पर पोस्टरबाजी की, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात से झारखंड के 3 नक्सली गिरफ्तार, गुजरात ATS ने तीनों को किया गिरफ्तार। सामू ओरैया, बिरसा ओरैया, बबीता कच्छप की हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के लिए कोई एजेंडा नहीं बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्होंने कहा, मैं कोविड-19 डेडिकेटेड चिराई अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। गुजरात के गोधरा में एक मस्जिद को बनाया गया कोरोना अस्पताल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं ट्रंप नहीं हूँ, मैं मेरी आंखों के सामने मेरे लोगों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में सिरफिरे युवक ने घर के 5 सदस्यों को उतारा मौत के घाट, फिर ट्रक के सामने कूद कर दी जान। जम्मू कश्मीर के रणबीरगढ़ में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के शीर्ष कमांडरों में से एक इसफाक रशीद खान और लश्कर के आतंकी एजाज अहमद को मार गिराया। 12 सितंबर से शुरू होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीजन, 8 महीने तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। बिला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मकीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दे 8050480504 पे। वाह,